लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा मजबूती के साथ बन रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए लोजपा ने झारखंड में कार्य किया है, जिसका फायदा यहां मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो भी दिशा निर्देश मिला था, झारखंड प्रदेश इकाई ने उसे पूरा करने का काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों को पार्टी के सभी कार्यकर्ता मतदाताओं के घर घर जाकर बतलाने का काम किया, ताकि एनडीए की जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान सभी वर्गों के सर्वमान्य नेता हैं, जिस कारण आज एनडीए को सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय का भी समर्थन मिला है। प्रदेश अध्यक्ष ने ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने वालों पर निशाना साधा और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को जनता ने नकार दिया है, तो अब विपक्ष ईवीएम को पर दोषारोपण कर रही है सीएम से मिले आज न मिले सीएम से तो औपचारिक भेंट थी और चुनाव के संबंध में हम लोगों ने विचार विमर्श किया, कैसे कैसे चुनाव हुआ, उसमें पूरा राज्य में हम लोगों ने साथ दिया और एनडीए जो है भारी बहुमत से जीत रही है, पूरे देश में तो जीत रही है, राज्य में भी जीत रही है हमारी। उसी सब संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हुई। सर, क्या लग रहा है कल की तस्वीर को लेकर? ये तो अमर का अद्भुत रिजल्ट हम लोगों का है, क्योंकि पूरे देश में मोदी 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 हो रहा है। मोदी जी के प्रति जो है पूरे देश में सारे को विश्वास है, खास करके दलित और आदिवासी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को भी भरोसा है इनसे, क्योंकि इनके रहते ही देश का विकास होगा।